मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ से प्रदेश के कई क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई है, पिछले 70 सालों में ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। उन्होंने कहा, कभी कभी ऐसा मौका आता है जब जी जान से काम करने की आवश्यकता होती है, यह समय वही है। सभी का पूरा सहयोग लेते हुए बाढ़ प्रभावितों के लिए कार्य करें। इस दौरान शिवराज ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से फोन पर चर्चा कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जानकारी दी और केंद्र के सहयोग के लिए आभार जताया। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्योपुर शहर में 20-20 फीट पानी है। रतनगढ़ वाली माता पुल तथा सनकुआ पुल के ऊपर पानी जा रहा है। बड़ी संख्या में घर गिरे हैं। शिवराज ने कहा कि राहत शिविरों के अलावा बाढ़ प्रभावित बस्तियों में भी भोजन, स्वच्छ जल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। टूटे मकानों की मरम्मत, बिजली की आपूर्ति बहाल करना, टूटे पुलों को दुरुस्त करना, संचार व्यवस्था को बहाल करना आदि कार्य युद्ध स्तर पर किए जाएं। शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर संभाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के उपरांत भोपाल लौटकर निवास पर देर रात वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, प्रभावित व्यक्तियों को भोजन व शुद्ध जल उपलब्ध कराएं, यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमण बीमारियों का प्रकोप न हो। जिन व्यक्तियों के घर नष्ट हो गए हैं उन्हें आश्रय स्थल उपलब्ध कराएं, साथ ही घरों की मरम्मत में मदद की जाए, विद्युत आपूर्ति पुनः स्थापित की जाए, टूटे हुए पुलों की मरम्मत की जाए तथा वैकल्पिक रास्ते तैयार किए जाएं, संचार सुविधा पुनः स्थापित की जाए, आवास, फसल और पशुओं की हानि का तुरंत सर्वे किया जाए, बाढ़ राहत राशि प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करें और सड़क पुल पुलिया बाकी देखे तो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान है इंफ्रास्ट्रक्चर का। बाकी निजी नुकसान अलग है, शासकीय नुकसान अलग है, लेकिन धीरे धीरे इसकी भरपाई करेंगे। पहली जरूरत है कम्युनिकेशन की, फोन चल जाए और इसे टेली कम्युनिकेशन विभाग भी उस पर काम कर रहा है लगातार, स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है और बिजली की ठीक व्यवस्था हो जाए। ये बात जो मंत्री जी ने कही थी कि अगर जरूरत अतिरिक्त स्टाफ की भी बिजली की पड़े तो हम दूसरी जगह जहाँ संकट नहीं है वहां से भेज के यहाँ ऐड करने की हम लोग कोशिश करें। फिर एक व्यवस्था इलाज की है, क्योंकि जैसे पानी उतरता है बदबू सड़न, क्योंकि कई चीजें डूबी हैं वो सड़ेंगी, तो इसलिए हम अतिरिक्त रूप से भी ये अपन देख लें कि कहाँ से हम स्टाफ निकाल सकते हैं इन इलाकों के लिए। वो टेम्परेरी हो भले, लेकिन इन इलाकों में डॉक्टर्स की टीम और दवाइयां भेजने की जरूरत पड़ेगी ताकि वहां युद्ध स्तर पे हम चेकअप की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था हम लोग कर पाए। मुझे लगता है इतने आवश्यक काम जो मुझे अभी समझ में आते हैं इनका समन्वय प्रभारी मंत्री करें, कलेक्टर्स पूरी दक्षता के साथ काम करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के जिला प्रशासन, चंबल ग्वालियर रेंज के आईजी और कमिश्नर से फोन पर चर्चा की है। उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। शिवपुरी और भिंड में एयर ऑपरेशन शुरू हो गया है। शिवपुरी के करेरा काली पहाड़ी में एयर ऑपरेशन हुआ। भिंड में 3 स्थानों पर एयर ऑपरेशन किया गया। देर रात काली पहाड़ी शिवपुरी में 57 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू करने का काम जारी है। टीला शिवपुरी में 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फोन पर चर्चा कर बाढ़ की वर्तमान स्थिति, रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक तौर पर बड़े स्तर पर हुए इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान, फसल नुकसान, बिजली आपूर्ति एवं टेलीकॉम नेटवर्क आपूर्ति एवं अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के संबंध में अवगत कराया है। शिवराज ने केंद्र सरकार द्वारा लगातार मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के साथ है और प्रदेश को केंद्र द्वारा हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर चर्चा की और बाढ़ से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों, राहत कार्यों, केंद्र के विभिन्न बचाव दलों से मिल रहे सहयोग एवं बुनियादी आवश्यकताओं के संबंध में विस्तार से बताया। वहीं अमित शाह ने मध्य प्रदेश को हर संभव मदद का भरोसा देते हुए केंद्र की एक एडवांस टीम क्षति आकलन हेतु मध्य प्रदेश भेजने की बात कही है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी शिवराज सिंह चौहान से बाढ़ पर चर्चा की। शिवराज ने उपराष्ट्रपति को बताया कि मध्य प्रदेश के 5 जिले श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, भिंड और मुरैना बाढ़ प्रभावित हैं, जहाँ सेना, BSF, SDRF, NDRF, एयरफोर्स, मध्य प्रदेश पुलिस और अन्य बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुँचाने का काम निरंतर कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश में बाढ़
पीड़ितों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। हमको भोजन की व्यवस्था करते रहना है और इसके बाद हम सूखे राशन की भी व्यवस्था करेंगे। एक व्यवस्था तत्काल हम उन परिवारों को जिनमें नुकसान पहुंचा है, पानी घुसा है, वो 50 किलो गेहूं पर फैमिली वो अलग से लेने की हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो तात्कालिक सहायता है, बाकी सब काम हम लोग करेंगे। सबसे जरूरी चीजें जिनके घर गिर गए उनको छत की व्यवस्था करवाना। तो सभी प्रभारी मंत्री और कलेक्टर्स इस पर ध्यान दें कि उनको छत की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है, अगस्त के महीने में भी पानी गिरेगा। तो जहां भी जो बिल्डिंग हो सुरक्षित, उन बिल्डिंग्स में जब तक रखना आवश्यक हो वहां उनको रखने की व्यवस्था करें। बाद में हमको सोचना पड़ेगा कि 2-2.5 महीने के लिए क्या व्यवस्था करें, क्योंकि मकान अगर बनाना भी है तो मकान तत्काल नहीं बनेगा। मकान बनने में तो जिनका मकान गिर गया समय रहेगा, इसलिए कैसे वो सुरक्षित रह पाए बरसात में, अलग अलग स्थानों पे जैसी परिस्थिति हो उस व्यवस्था में भी आप लोग जुट जाएं। पीने के शुद्ध पानी के लिए भी युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है। कई जगह हैंडपंप खराब हो गए होंगे, ऊपर अगर एक एक मंजिल डूबी थी तो वो पानी प्रदूषित हो गया होगा, इसलिए पीने के पानी की भी हमको ठीक ढंग से व्यवस्था करना है। फिर रिस्टोर सबसे पहले करना, बिजली विभाग के अफसर लगे हुए, श्योपुर में भी कई अधिकारियों को भेज दिया है, टीम में पहुंच गई होगी, काम में लग गई होगी मुझे लगता है। तो बिजली शिवपुरी हो, श्योपुर हो, बाकी जगह हो, रिस्टोर करने में नुकसान बहुत व्यापक हुआ है। 132 KV के सब स्टेशन हमारे पूरे के पूरे साफ हो गए, ट्रांसफार्मर जल गए, खंभे उखड़ गए, बहुत व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। श्योपुर में 15 लोकेशंस में 13 लोकेशन चिन्हित की गई है, जहां 2000 खाने के पैकेट हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजे गए हैं। 2500 खाने के पैकेट दोबारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्हीं लोकेशंस पर भेजे जाएंगे। प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर खाद्य सामग्री बाढ़ प्रभावित लोकेशंस पर भेजी जाएंगी। शिवराज ने निवास पर बाढ़ स्थिति का और राहत कार्यों का जायजा लेने हेतु आपात बैठक बुलाई। बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जिला प्रशासन, जिलों के प्रभारी मंत्री वर्चुअल जुड़े। प्रभारी मंत्री और स्थानीय मंत्री राहत कार्यों की जानकारी दी। वहीं इस दौरान कहा गया कि बांध टूटने जैसी अफवाह न फैले, अफवाह रोकने और लोगों को सतर्क करने का सिस्टम और दुरुस्त किया जाए। मंत्री यशोधरा राजे ने बिजली आपूर्ति बहाल करने पर जोर दिया। ज्यादातर स्थानों पर पानी कम हो गया है, बारिश रुकी हुई है, राहत कार्यों में तेजी आई है। श्योपुर में प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 15,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, कच्चे मकान गिरे हैं, क्षतिग्रस्त पुल पुलियों का आकलन किया जा रहा है। श्योपुर में ज्यादातर स्थानों पर बिजली आपूर्ति बहाल हो चुकी है। ग्वालियर से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य सामग्री फूड पैकेज भेजने शुरू कर दिए गए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि ग्वालियर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार फूड पैकेज पहुंचाए जाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।